देखो क्या शाइन क्रिएट की है बॉस। जो पोर्शन है ना जहाँ पे मोस्टली पैर टच होते हैं बैठते टाइम और उठते टाइम, तो ये अभी क्लीन करके लेंगे। डैशबोर्ड पे आपको धूल मिट्टी दिख रही है, इसको पर्सनली मैंने बिल्डअप होने दिया है, बहुत टाइम से मैंने इसको साफ नहीं किया हुआ है। तो आज देखेंगे हम कि क्या क्या हम लोग इंटीरियर क्लीनिंग के लिए घर पे यूज कर सकते हैं, क्या आइडियाज लगा सकते हैं। दो तीन चीजें मैं पर्सनली ट्राई करूंगा, ये मेरा दिमाग में आइडिया है तो मैंने सोचा इसको मैं ट्राई करके देखूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ट्राई करना है। तो ये इंटीरियर का एक लिक्विड है जो मैंने एक्चुअली अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है, उसके बाद मैंने फोम ऑर्डर किया हुआ है, मुझे चेक करना है कि ये फोम कैसा है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है कुछ 198 रुपीज का। तो मुझे डैशबोर्ड के लिए इसको स्पेसिफिकली चेक करना है कि ये कितना काम करता है। और जो पहला वाला लिक्विड था ना, मैंने ये फोम पंप में एक्चुअली ये फोम क्रिएट करता है, तो ये पंप में मैंने इसको एक्चुअली डाइल्यूट करके लिया हुआ है 60-40 के रेशो। और ये एक ब्रश है जो मैं इंटीरियर क्लीन के लिए यूज करने वाला हूँ, आप समझ गए रहेंगे ये ब्रश किसके लिए यूज होती है। तो ऐसी कुछ तीन चार चीजें यूज करके मैं ट्राई करूंगा कि इंटीरियर क्लीन कर सके। बीच में मैंने टेप लगा के लिया कि ये जो लिक्विड है ये काम करता है कि नहीं, तो हाफ वाले पोर्शन क्लीन करके लेंगे, फिर रेस्ट जो ये बचेगा कंपैरिजन के लिए उसको बाद में क्लीन करेंगे। इसके साथ एक स्पंज आया है तो वो स्पंज को यूज करके देखेंगे कितना इफेक्टिवली क्लीन करता है। अगर नहीं हुआ तो फिर स्कॉच ब्राइट ऐसे कुछ यूज करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये साइड में ना पूरा ब्लैकिश जो पोर्शन था उसने ना अपना कलर छोड़ना चालू कर दिया है। और ये एक्चुअली ड्राइवर सीट है तो ये मोस्टली सबसे ज़्यादा गंदा होता है, पैसेंजर सीट इतनी गंदी नहीं होती। तो हाफ सीट हमने अभी क्लीन करके लिया है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये हमने क्लीन नहीं किया, तो ये टेप निकाल के देखते हैं कि एक्चुअल में क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप क्लोजली देखो ना तो ये वाला पोर्शन एक्चुअली थोड़ा डार्क है कलर में, और ये वाली साइड है ना अभी क्लीन हो चुकी है। तो देखो कुछ इतना डिफरेंस है इसमें। बीच में मैंने अभी टेप लगा के लिया है, ये वाला सेक्शन साफ करेंगे और देखेंगे आधा वाला सीट कितना क्लीन है। जनरली गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ रहती है बट ये सीट मैंने ना बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया है, तो देखते हैं ये साफ होता है क्या। तो देखो यहाँ का ब्लैकिश पार्ट ना पूरा एकदम एक झटके में क्लीन हो गया। तो स्पंज तो काम करता है और लिक्विड भी काम करता है, मतलब ये वाली सीट है ना ये साइड की अच्छी खासी साफ हो गई है। तो आपको डिफरेंट समझ में आता रहेगा कि ये वाला पोर्शन देखो कितना डार्क है, और ये वाला जो अभी मैंने अभी क्लीन किया इसमें से देखो कितनी गंदगी निकल रही है। इसको और थोड़ा रगड़ूंगा ना एकदम साफ हो जाएगा। तो ये देखो ये है डिफरेंस। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा तो कि ये कैसा था पोर्शन और ये वाली साइड। तो अगर आपको डिफरेंस देखना है तो आप देख सकते हो कि ये वाला मैंने क्लीन किया है, ये वाला क्लीन होना बाकी है। देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में आता है कि ये एकदम डार्क है। ये अभी मैंने इसको अभी जस्ट कुछ थोड़ी देर पहले मैंने इसको क्लीन किया हुआ है। पोर्शन है ना ये इस पर काला है ना, तो ये पूरा डार्किश एकदम ग्रेइश ब्लैक हो गया। तो इसको साफ करके देखेंगे कि इतना इजीली निकल जाता है। और ये वाला जो पूरा स्क्वायर है ना ये पूरा साफ करके देखेंगे कि एग्जैक्टली ना कितना अच्छी तरीके से ये क्लीन करता है। इतना ही स्क्वायर साफ करके देखेंगे, बाकी रेस्ट सीट वैसे ही रखेंगे। तो आप अगर इसको देखोगे ना तो ये पूरा काला काला उसके ऊपर का निकल चुका है, मतलब तो जितनी भी मैल थी सीट के अंदर वो पूरी की पूरी निकल चुकी है। तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे काला दाग था, अभी वो गायब हो चुका है।
फिलहाल ना मैंने डैशबोर्ड पूरा फोम वॉश करके लिया हुआ है और इसको ना साफ करेंगे क्योंकि डैशबोर्ड पे ना बहुत धूल मिट्टी थी। अगर आप वीडियो स्टार्ट होने के पहले देखोगे तो स्टार्ट करेंगे ना ये मतलब ऑलमोस्ट इतनी धूल मिट्टी थी वहाँ पे, ये पूरे गाड़ी पे, ये देखिए यहाँ पे भी है डस्ट। तो इसको क्लीन करेंगे क्योंकि फोम अभी सेटल होते जा रहे हैं। तो इसने सिंपली ना जितना भी डस्ट था ना उसके ऊपर वो पूरा का पूरा हटा दिया है। अब देखो क्या शाइन क्रिएट की है बॉस, मतलब बिलीव नहीं करोगे कि थोड़ी देर पहले इसके ऊपर इतनी डस्ट थी। और अगर आप कपड़े को देखोगे तो जितना भी डस्ट बिल्टअप था ना वो सब अभी कपड़े पे आ चुका है। ये देखो कपड़ा कितना गंदा हुआ है और इसके ऊपर एक डस्ट थी, ये देखो इतना डस्ट था इसके ऊपर, एक बिल्टअप था डस्ट का, वो पूरा का पूरा गायब कर दिया। देखो अभी आप सरफेस देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके ऊपर इतना डस्ट था। तो अभी ये पूरा क्लीन अप करके ले लेते हैं। तो हमारे गणपति पप्पा भी झाग के अंदर पूरे डूब गए थे, क्लीन हो गए, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि एक मिनट पहले इसके ऊपर इतनी गंदगी थी। और मैंने इसको पर्सनली मतलब बिल्टअप होने दिया था ताकि मुझको एक्चुअली दो तीन चीज़ें ट्राई करनी थी, के लिए मैंने उसको ना गंदा होने दिया था। नहीं तो जनरली मेरी गाड़ी गंदी होती नहीं है, मैं टाइम बाय टाइम इसको ना साफ करते रहता हूँ। और इंटीरियर क्लीनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। देखो आपको अगर डस्ट कितना था ये समझना है ना तो इतनी डस्ट थी डैशबोर्ड के ऊपर। ये वाला पोर्शन भी बच गया था तो ये भी साफ कर लेते हैं। इवन एसी डक्ट को भी थोड़ा थोड़ा सा साफ कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी धूल मिट्टी थी। तो ये ब्रश से इसको साफ करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी बिल्टअप हुई थी ना वो सब साफ हो जाए। ये वाले पोर्शन को भी, यहाँ की भी जो वेंट है इसको भी साफ कर लेते हैं। अच्छा ये जो ब्रश है, मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं कि ये ब्रश किस बात का है। तो ये जो ब्रश है ना ये एक्चुअली मेकअप ब्रश है और जैसे ये लड़कियों के चेहरे को हार्म नहीं करता वैसे ये गाड़ी के अंदर के इंटीरियर को भी हार्म नहीं करेगा, इसके लिए मैंने इसको मंगाया था। और डिटेलिंग के लिए ना अंदर के डिटेलिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। मैं बड़ा ब्रश ढूंढ रहा था डिटेलिंग के लेकिन मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको 199 में एक्चुअली परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत अच्छे से काम करती है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेकअप का काम करता है, अगर आप इंटीरियर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो क्लीनिंग के लिए सबसे बेस्ट आइटम है ये, अगर आपको सॉफ्ट कुछ चाहिए रहेगा तो। अभी तो ये जो ना इको केयर का फोम क्लीन मंगाया था ना ये भी पैसा वसूल है 199 में। जिनको इजी और एकदम फास्ट फटाफट गाड़ी क्लीन करना रहेगा ना उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, इंटीरियर के लिए भी ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है। तो ये जो सेंटर का कंसोल है उसकी हालत कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर भी एक बार फोम का उपयोग करेंगे और देखेंगे कितना अच्छी तरीके से ये क्लीन होता है। और अभी इसको ना ब्रश से साफ करेंगे ताकि अच्छे से साफ हो जाए। इसको ना अभी कपड़े से साफ करके लेते हैं। तो अभी हालत देखो इसकी कैसी है और पहले देखो कैसी थी, पूरा डस्ट गायब हो गया इसके ऊपर, जितना भी डस्ट बिल्टअप हुआ था ना पूरा का पूरा एकदम क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से अभी इतना चमक रहा है ये। तो अभी बचा स्टेयरिंग व्हील, तो इसके ऊपर देखोगे ना मिट्टी जमा हो गई है,
या आप बोल सकते हो आपके हाथ की जो धूल होती है इसके ऊपर जमा हो गई तो ये फ्लैट हो गया। और इसको साफ़ करने के लिए ना मैं ये एक्चुअली प्लास्टिक का जो अपना स्क्रबर होता है ना मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना आसानी से साफ़ नहीं होता, बड़ा ज़िद्दी होता है ये। साफ़ होने के बाद एकदम कपड़े जैसा बन जाएगा ये, अभी एकदम फ्लैट दिख रहा है ना शाइनी, वैसे नहीं दिखेगा आपको ये। तो देखो जस्ट मैंने इसको ना एक ही बार साफ़ किया है, देखो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब कितनी मिट्टी है देखो इस स्टेयरिंग कवर पे। अगर आपको दिखाऊं तो ये है इसकी हालत, ठीक है यहाँ से नहीं दिखेगा, तो ये एक्चुअल में ऐसे होता है। और ये देखो ये साइड अभी भी क्लीन नहीं की है, तो ये जिसके ऊपर बिल्टअप है अभी भी ये ऐसे दिखता है, और ये क्लीन होने के बाद कुछ इतना खुला खुला सा दिखता है। तो ये देखिए साफ़ होने के बाद ना कुछ इस तरीके से दिखता है, और अगर ये अभी फ़िलहाल गीला है थोड़ा तो ये कल सूख जाएगा ना, तो ड्राई होने के बाद ये और खूबसूरत दिखता है और फ्लफ़ी बन जाता है, ये थोड़ा सा कुशन इसका अच्छा हो जाता है। तो अभी ये फ़िलहाल पूरा क्लीन हो चुका है, इसको और साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज़्यादा साफ़ होगा भी नहीं, जितना भी बिल्डअप था ये अंदर कुछ एब्जॉर्ब नहीं करके लेता, जितना भी बिल्डअप था इसके ऊपर वो अभी क्लीन हो चुका है। तो स्टेयरिंग पहले से अभी फार बेटर और थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में दिख रहा है। ये वाला जो पोर्शन है इस पर मैंने टेप लगा के लिया है, राइट वाला पोर्शन हम क्लीन करेंगे और देखेंगे डिफरेंस कितना है लेफ्ट वाले के साथ। तो ये वाली साइड देखिए, ये वाला इतना डर्टी है, और ये वाली साइड मैंने देखो आप पूरा टेक्सचर क्लियर हो चुका है इसके अंदर का। तो ये वाला पोर्शन है इतना पहले गंदा था, ये वाली साइड आप यहाँ पे भी कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला पोर्शन एकदम क्लीन है, ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा ग्रेइश लग रहा है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो क्लियरली, आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से टेप लगी हुई थी इसकी तरफ, ये वाला पोर्शन एकदम पूरा क्लीन हो चुका है। बाकी बचा हुआ डोर पैड भी एक बार क्लीन करके लेते हैं। मैं ना यहाँ पे ना डबल क्लॉथ इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ कि पहले वाले कपड़े में ना अच्छी खासी धूल मिट्टी रहती है, तो वो ना ढंग से इसको क्लीन नहीं कर पाता, इतना भी बचा कुचा बिल्टअप रहता है वो पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। अभी आप ये वाले पोर्शन को देखो एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो अभी ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे मोस्टली पैर टच होते हैं बैठते टाइम और उठते टाइम, तो ये अभी क्लीन करके लेंगे। और ये है इसका भी एंड रिजल्ट। ये जो कारपेट के नीचे का जो पोर्शन है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा गंदा हो गया, इसका भी कलर बेज ही है, तो इसको एक बार क्लीन करके लेते हैं, देखते कितना डिफरेंस आता है। तो इसका कलर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ना एक्चुअली मैंने विम लिक्विड यूज़ करना चालू कर दिया है, अगर मैं इसको इससे साफ़ करूं तो ये और अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इंटीरियर क्लीनिंग का जो लिक्विड होता है ना वो थोड़ा अलग
केमिकल होता है और डिश वॉशर थोड़ा अलग केमिकल होता है, बट ये फार बेटर कंडीशन में, थोड़ी देर पहले जो कंडीशन थी उससे तो ये फार बेटर कंडीशन में। अंदर की तरफ एक कपड़ा मार देता हूँ तो ये साफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ की हालत है, और यहाँ की हालत अभी भी थोड़ी बेकार है। ये साइड अभी तक साफ़ नहीं किया है मैंने, बट कुछ ऐसे दिखता है जब गंदा रहता है तो, और साफ़ हो जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये शेडोज़ की वजह से आपको नहीं समझ में आएगा, बट ये एक्चुअली काफ़ी क्लीन दिख रहे हैं। पीछे का सेक्शन भी कुछ इस तरीके से गंदा है, जहाँ पे ना एक्चुअली जूतों के मार्किंग है, अगर आप इसको देखोगे। इसको भी क्लीन करके आपको इसका जो आफ्टर बिफोर का रिजल्ट है वो डायरेक्टली दिखा देता हूँ। ये कुछ है इसकी फाइनल कंडीशन। ज़्यादा जान नहीं लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि गाड़ी अभी ना बाहर ट्रिप के लिए जाएगी तो वापस गंदी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि इसको वापस एक बार साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन ये इसका पीछे का फाइनल रिजल्ट एक ना सही एग्जाम्पल है। देखिए आप ना ये वाला जो सीट देखोगे तो सीट बेल्ट वाला पोर्शन है ना, वो एकदम साफ़ सुथरा है, और ये एकदम काला हो चुका है। तो इसको एक बार साफ़ करके लेता हूँ तो आपको समझ में एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये कितना काम करता है। तो अभी आपको देखेगा कि ये जो साइड वाला सीट का जो पोर्शन है, जो कालापन था ना, वो पूरा गायब हो चुका है। वो कालापन अभी भी इधर है, तो अभी इसको सीट को साफ़ करूँगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कितनी इफ़ेक्टिवली काम करता है। ये देखो सिंपली गॉन, और आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता। ये देखो एकदम क्लियर हो गया। मतलब जिनकी गाड़ी में लाइट सीट कवर है ना, उनके लिए तो भाई ये स्प्रे है ना एकदम सही चीज़ है। मैं वेवेक्स का भी मंगाने वाला था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया। कुछ 350 रुपये के आसपास है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तरफ से एक कोशिश गाड़ी को घर पे डिटेल करने की। ये जो डैशबोर्ड का फाइनल आउटपुट है, ये जो आप देख रहे हो, इसको मैंने 3M के कमर्शियल पॉलिश से इसको पॉलिश किया हुआ है। और जो डैशबोर्ड पे हमने फोम यूज़ किया था ना, वो डीप क्लीनिंग के लिए इतना खास नहीं है। अगर गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी रहेगी ना, तो फोम क्लीनर सबसे ईजिएस्ट और क्विकेस्ट मेरे हिसाब से काम करता है। अगर सीट गंदी हुई है और गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो ये जो कांगारू वाला जो डीप क्लीनर है वो सबसे बेस्ट रहेगा। बिकॉज मुझे लगता है ये सबसे हार्डेस्ट केमिकल है। सीट की जो क्लीनिंग की इसने बहुत अच्छी तरीके से की, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हैक मुझको ये लगता है पूरी गाड़ी ऑल ओवर देखने के बाद, ये जो मेकअप का ब्रश और फोम पंप है जिसमें आप कोई भी लिक्विड डाल के गाड़ी क्लीन कर सकते हो, ये मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्थ लगा हैक। बिकॉज फोम क्रिएट होता है तो आपकी गाड़ी पे ना थोड़ा सा एक सॉफ्टनेस, मतलब बीच में जो एजेंट होता है क्लीनिंग वाला, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो डैशबोर्ड के क्लीनिंग के लिए या हार्ड प्लास्टिक या जहाँ पे एकदम डेलिकेट पीसेस है, उस जगह पे फोम पंप और मेकअप का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये पूरी डिटेलिंग की वीडियो कैसी लगी, या आपका कोई डिटेलिंग का हैक है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।